अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ब्लैक फ्राइडे या आप अपनी कोई भी ऑफर का, किसी भी तरीके की कोई भी ऑफर हो आपकी, वो आप इस तरीके से एनिमेट कर सकते हो, एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हो कैनवा के ऊपर वो भी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर वन, आपने एक न्यू पेज ओपन करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये क्रिएट अ ब्लैंक वीडियो वाला सेक्शन जो है ये ओपन करना है, ठीक है। ये ओपन करने के बाद स्टेप नंबर टू, आपने एलिमेंट्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पे टाइप करना है डार्क बैकग्राउंड और इनमें से कोई भी एक इमेज चूज कर लेनी है। ये दो स्टेप्स हो गए। अब स्टेप नंबर थ्री क्या है, अब आप यहाँ पे एक लोगे, टेक्स्ट में जाओगे, एज अ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे ब्लैक फ्राइडे। यहाँ पे आप फॉन्ट जो है वो ले लोगे ओपन SANS और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंटर। ये आ गया इस तरीके से। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ दोनों को, और इस पर आ जाता हूँ, थोड़ी बहुत इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेटिंग वगैरह करूँगा मैं। ये आ गया सेंटर में, मैंने कर दिया। अब मैं एक और टेक्स्ट लूँगा, इसको मैं यहाँ पे भी लिखूँगा ब्लैक फ्राइडे। ये करने का, अब मैं यहाँ पे लूँगा कैनवा, ठीक है, कैनवा SANS, जो भी अब वो सेंस बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। अब ये मेरा चौथा स्टेप था, फोर्थ स्टेप ये था कि मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने इसमें जो है ब्लैक फ्राइडे लिखा और मैंने इसको जो है कैनवा SANS कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो, अब मैंने करना क्या है, इसको मैं करूँगा थोड़ा छोटा, इसको मैं कर देता हूँ 12, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, 18 करता हूँ, हाँ ये सही रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, स्पेस डालूँगा, पेस्ट कर दूँगा, यही आपने करना है, थोड़ा सा स्पेस डाल के कॉपी कर लिया। अब इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। सेलेक्ट करना है इस बार को, इफेक्ट में आना है, आपने ये कर्व देखा है इसको प्रेस करना है। ये करने के बाद इसमें आपने आना है, इसको बढ़ाना है, जब तक ये आपका बिल्कुल सर्कल नहीं बन जाता आपने इसको घुमाना है, ठीक है। अब आप देखो ये सारा हो गया, पूरा एक सर्कल बन गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा बैकग्राउंड चूज करूँगा, इसके बाद बैकग्राउंड में गया, बैकग्राउंड को मैं इसको करूँगा राउंड को ख़त्म करूँगा, यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ रेड, ठीक है जी। अब ये देखो कैसा आ गया, अच्छा लग रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर आपको बड़ा करना है तो इसको ऐसे ही आप बड़ा भी कर सकते हो, ये सिलेक्ट किया कि आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको शो करवाना है। अब इसमें क्या आएगा, अब हमारा रेक्टेंगल का, अब पाँचवा स्टेप, अब आपको लेना है रेक्टेंगल का शेप, रेक्टेंगल फ्रेम, और बॉर्डर भी लिख सकते हो आप। ये देखो मैंने यही लिए हुए हैं, ये किया, इसको मैं सेंटर किया, यही मैं एक काम करूँगा, इसको मैं पहले ब्रेड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे। ये करने के बाद इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा अल्टर और एरो से पकड़ के एक और कर लूँगा, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से, सॉरी लेने के बाद मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्लिप और हॉरिजॉन्टल कर दूँगा और इसको अलाइनमेंट कर दूँगा वैसे ही जैसे मेरा था, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों को, इसको सिलेक्ट करना है इन दोनों को, पहले वाले को इसको जो है मैं लॉक कर देता हूँ अब, ताकि मेरे पास यही चीज़ दो सिलेक्ट हो फ्रेम। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एनिमेट में जाऊँगा और इसको फ्लिकर कर दूँगा, ठीक है जी। अब क्या चीज़ रह गई, अब एक काम करते हैं, अब पुराना वाला देखते हैं, और यहाँ मोशन और डिस्काउंट अप टू, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं एक और लूँगा टेक्स्ट, एड अ टेक्स्ट बॉक्स, नाउ यू कैन चूज विच फॉन्ट यू लाइक,
ओके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओपन्स ले लेता हूँ या रोबोटो ले लेता हूँ, जो आपको सही लगे, जो आपके थीम के अकॉर्डिंग सही लगे आप वो चूज कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ, ये रेगुलर वो ज़्यादा सही लगता है। मैं फ़िलहाल आपको वीडियो बनाने के लिए ये शो करवा देता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे, यहाँ पे लिखूँगा डिस्काउंट अप टू 50% ऑफ। इसको मैं और छोटा करूँगा लाइक 12 यस, और आई विल इंक्रीज 14 ओके। Now it's look better. Now I will give it some little space. Yeah, okay. Okay, now अब आपने करना क्या है, इसमें motion को select करना है, animate पे click करना है, step number 6. अब इन सब को हमें animate करना है। इसमें motion पे click किया, effect में click किया, sorry effect animation में click किया। अब आपको कैसा font इसमें अच्छा लगेगा, आपको किस तरीके से यहाँ पे show करवाना है, आप वो choose कर सकते हो। पल्स लगा सकते हो या यही कर सकते हो या रोटेट कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। मैं पल्स चूज़ कर लेता हूँ, डिस्काउंट में आता हूँ, इस पर भी मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसी स्पीड रखना चाहते हैं। मेन चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है, इस पर सेलेक्ट किया मैंने, एनिमेट पर आया। एक सेकेंड मैं इसको अनलॉक कर दूँ, एनिमेट में आया, नीचे आना है आपने, यहाँ पे आपने रोटेट पे क्लिक करना है। रोटेट पे क्लिक करोगे ये तो यूँ घूमने लग जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अब आ जाता है स्टेप नंबर 7 जो कि आपकी वीडियो में जान डालेगा। अब देखो मैं अभी ऐसे प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको स्टेप नंबर है वो है 7। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स में, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, लीक, वीडियोस में जाऊँगा, बैकग्राउंड स्पैनिंग, हाँ ये आई थिंक मैंने याली वीडियो ली थी। आपको जो अच्छी लगे रेड करना है तो रेड वाले में ये वीडियो ली थी आई थिंक मैंने, ये देखो। अब मैं इसको करूँगा कि इसको मैं कर दूँगा छोटा, इसको मेरी वीडियो के हिसाब से मैं इसको रख सकता हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है, सॉरी इस पे क्लिक करना है, या आपने देखा होगा ये सीजर बनी हुई है, इसको मैं छोटा यूज करूँगा अपनी वीडियो के हिसाब लेंथ के हिसाब से चूज़ करूँगा और डन कर दूँगा। ये आ गई, अब मैं इसको कॉर्नर पर लेके जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से इसको खींच के यहाँ पे पूरा वीडियो तक कर दूंगा बड़ा। ये करने के बाद नाउ फाइनल स्टेप इज ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी, इस पर क्लिक करना है और इसको कम करना है। जिस जगह पे आपको लगे सही लग रही है आपकी वीडियो वहाँ पे आपने छोड़ना है और फिर प्ले करना है। लेट्स प्ले Now you can see the Black Friday. अब now अभी आपको लग रहा होगा देखो ये थोड़ा सा याला पोर्शन जो है वो थोड़ा डल है, तो इसको हमने क्या करना है, लेयर ऑप्शन में जाना है, मैं इसको इसके नीचे कर देता हूँ, इसके भी नीचे कर देता हूँ। Now play. अब आप देखो वो बैकग्राउंड पे चला गया, अभी भी थोड़ी ज़्यादा लाइटें आ रही हैं, कोई इशू नहीं, आपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और ट्रांसपेरेंसी में जाके इसको और ट्रांसपेरेंट कर देना, 30% या 25% इज एनफ आई थिंक। नाउ यू कैन प्ले, नाउ ब्लैक फ्राइडे मोशन वीडियो इज रेडी। और एक और लास्ट आई थिंक वन थिंग इज मिसिंग फॉर ब्लैक फ्राइडे, जस्ट अ मोमेंट, ब्लैक फ्राइडे जो है मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया। इसको मैं क्या करता हूँ, एनिमेट पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से आप कर सकते हो या तो इस तरीके से आप शो करा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी ब्लैक फ्राइडे की, और मेरे हिसाब से ये भी नहीं।
ये सही है शिफ्ट. ओके नाउ आवर वीडियो इज रेडी. इफ यू वांट यू कैन ऐड ऑडियो आल्सो. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एंड तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. I should fuck her in the best.